हर्षवर्धन सिंह जी ने किया यूथ किंडू वेलफेयर सोसाइटी की स्किल डेवलपमेंट स्कीम का शुभारंभ। छात्र जीवन बहुत अच्छा पल होता है जयवर्धन सिंह। आरोन यूथ किंडू वेलफेयर सोसाइटी की स्किल डेवलपमेंट स्कीम का शुभारंभ क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह द्वारा किया गया। एनजीओ द्वारा ये योजना शासकीय छोटाऊ माँ विद्यालय पनवाड़ी के विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले शुरू की है। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयवर्धन सिंह क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन ने देवी सरस्वती की पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात स्कूल के प्राचार्य, एनजीओ के अध्यक्ष तथा सभी स्टाफ ने मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। स्वागत के पश्चात एनजीओ के अध्यक्ष श्री सुनील सोनी ने योजना की संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना में विद्यार्थियों को कौशल विकास जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश, सीसीटीवी कैमरा फिटिंग एवं रखरखाव, अबेकस, योगा आदि बहुत से हुनर निःशुल्क सिखाए जाएंगे तथा विद्यार्थियों को करियर के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयवर्धन सिंह ने इस योजना की सराहना करते हुए गो अध्यक्ष एवं स्कूल प्राचार्य को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, इससे हमारे विद्यार्थियों के अंदर हुनर विकसित होगा और उन्हें जल्द से जल्द रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों के समक्ष अपने विद्यार्थी जीवन की बातें साझा करते हुए बताया कि उनके जमाने में ये सभी संसाधन उपलब्ध नहीं थे जो आज है। इनका उपयोग कर आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं और जीवन में सफल नागरिक बन सकते हैं और मैं खुद समय होने पर विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए आपके स्कूल में उपस्थित रहूंगा। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य विनोद रघुवंशी ने मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मंच संचालन शेखर व्यास ने किया। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ सहित एनजीओ के सदस्य उपस्थित रहे। संवाददाता बंटी राजपूत की रिपोर्ट। मैं पहले तो आपको क्षमा अर्ज करता हूं क्योंकि आप सब बहुत समय से यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम जो नेता लोग होते हैं हमारे में एक कमी रहती है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है हमारा दायित्व होता है कि हम सही समय पर पहुंचे, लेकिन रास्ते में जो लोग हमें मिलते हैं हमको उनसे मिलना पड़ता है, तो इसलिए कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो कार्यक्रम स्थान में पहुंचने में थोड़ा विलंब हो जाता है और जो लोग समय पर पहुंच जाते हैं उनको दिक्कत आती है। तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ क्योंकि आप सब बहुत समय से यहाँ विराजे हैं। यहाँ पे हमारे जो पूरा हमारा आसपास का क्षेत्र है, चाहे झांसी डगरही हो, चाहे हमारे आमखेड़ा, सूखा, हापाखेड़ी, कोलवा तरफ की पट्टी हो, जितिया हो, या फिर मुहासा वाली पट्टी हो, या फिर हमारे पिपरिया, जागी, क्षेत्रपाल, आमखेड़ा, मुगीस, सेबरा चार्ज, इन सब करवंदा ये गांव हो, या फिर बालापुर, परेवा, रुसल्ली कला ये वाली पट्टी के गांव हो, यहाँ पर आसपास के सभी गाँव से यहाँ पर हमारे छात्र छात्राएं आज यहाँ पधारे हैं। आपने आपका कीमती समय निकालकर आप सब आज यहाँ मौजूद हुए हैं और आज का जो आपका मुख्य उद्देश्य है जिसके बारे में अभी सुनील जी आपको बता रहे भी थे, मैं कुछ दिन पहले एक स्कूल में गया था रावगढ़ में और जो बच्चे 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई थी बल्कि उन बच्चों से हुई थी जो 12वीं पास कर चुके थे। कोई बच्चे कॉलेज में थे, कोई बच्चे नौकरी कर रहे थे और मैंने उनसे पूछा कि अगर आप वापस स्कूल में होते तो एक ऐसी चीज क्या है जिसकी कमी आपको स्कूल में महसूस हुई, और उनका उत्तर था कि जब हम 11वीं में थे, 12वीं में थे, तो हमारे पास कोई भी ऐसी सलाहकार नहीं थे जो हमें बता पाए कि 12वीं के बाद हमें क्या करना चाहिए, 12वीं के बाद कौन से कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, क्या हम बीए करें, क्या हम बीएससी करें, क्या हम लॉ की डिग्री प्राप्त करें, क्या हम आईटीआई करें, क्या हम पॉलिटेक्निक करें, क्या हम इंजीनियरिंग करें, क्या हम कोचिंग करें एमबीबीएस के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। कहने का मतलब ये है कि आजकल जो सबसे बड़ी चुनौती हम सबके सामने है कि जो हमारे युवा युवती है, हम आपको सही शिक्षा कैसे दें और उस सही शिक्षा के माध्यम से जो आपको शिक्षा प्राप्त होगी आप उसका सही उपयोग
12वीं के बाद कैसे कर सकते हैं, ये हर स्कूल का उद्देश्य होना चाहिए। और आज मैं बधाई देता हूं पनवाड़ी हाट के हमारे सभी जो प्राचार्य हैं, जो शिक्षकगण हैं, बीओ साहब को, हमारे जो यूथ कैन डू सामाजिक संस्था है, आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपने आज एक ऐसा कदम उठाया है जिसके माध्यम से जो हमारे सभी एनजीओ के हमारे वॉलंटियर हैं, आप सब लगातार जो हमारे पनवाड़ी हाट के सभी छात्र हैं, आप हर छात्र को आप सलाह भी दोगे कि आप 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए है, उसमें जो आपने अलग अलग इस प्रोग्राम के बताए हैं, जिसमें कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी रहेगी,